नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं, बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी और देव गुरु बृहस्पति जी को समर्पित है। बृहस्पति देव चूंकि देवताओं के गुरु हैं, अतः गुरु होने के चलते इस दिन को गुरुवार भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि की पूजा के अलावा इस दिन व्रत करना भी परम फलदायी माना जाता है। कहते हैं जो भी व्यक्ति गुरुवार का व्रत करता है, उसे इससे जीवन में आ रही सभी परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है, साथ ही जीवन में खुशहाली और धन वैभव को बरकरार रखने में मदद मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरुवार का व्रत रखने से केवल विष्णु जी ही प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और साथ ही ज्योतिष के अनुसार इस दिन व्रत करने से कुंडली में गुरु ग्रह की दिशा भी मजबूत होती है, जिससे इंसान को हर फील्ड में तरक्की मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे गुरुवार व्रत कैसे करना चाहिए, इसके फायदे और मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत का कैसे पालन करें, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, या फिर कुंवारी लड़कियां या कुंवारे लड़के हों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बृहस्पतिवार को किए गए व्रत में केवल भगवान विष्णु व लक्ष्मी की ही आराधना नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस दिन केले के पेड़ की पूजा का भी महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि केले के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है, ऐसे में गुरुवार का व्रत करने वालों को केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो चलिए अब आपको बता दें गुरुवार का व्रत करने के फायदों के बारे में। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव, विश्वास व आस्था के साथ गुरुवार का व्रत करता है, उसके मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण होने में मदद मिलती है। गुरुवार का व्रत रखने से जातक के घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती। जिन लोगों को घरों में बरकत नहीं रहती, उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे अन्न धन दोनों के भंडार रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्न धन के साथ विद्या की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करना शुभ माना जाता है। यदि आपको काम में तरक्की न मिल रही हो या कोई नौकरी न हो, तो इस समस्या से बचाव के लिए भी गुरुवार का व्रत रखना बहुत फायदेमंद माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार का व्रत रखने से आपको नौकरी में तरक्की मिलने के साथ नौकरी मिलने के मार्ग में आ रही रुकावटों को दूर करने में भी मदद मिलती है। यदि कोई महिला या पुरुष घर में सुख, शांति व समृद्धि के लिए गुरुवार का व्रत करता है, तो माना जाता है कि इस व्रत को करने से जातक के घर में सुख समृद्धि को बने रहने में मदद मिलती है। साथ ही घर में होने वाले कलेश, लड़ाई झगड़े आदि से निजात पाने में मदद मिलती है। घर के लोगों के बीच प्यार व अपनेपन को बने रहने में मदद मिलती है, जिससे घर में खुशहाली को बने रहने में फायदा होता है। कई बार शादी के रिश्ते नहीं मिलते या शादी की बनती बात बिगड़ जाती है। ऐसे में यदि वो लड़का या लड़की जिसकी शादी में दिक्कत आ रही है गुरुवार के व्रत करता है, तो माना जाता है कि ऐसा करने से उसे इस समस्या से निजात मिलने में मदद मिलती है। शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने के साथ शादी जल्द होने में फायदा हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार जातक की कुंडली में अगर गुरु नीच घर में विराजमान हो, तो इसके कारण जातक को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है, बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं। ऐसे में आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो ऐसा करने से कुंडली में गुरु को मजबूत करने में मदद मिलती है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।